जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगा 2020 ह्युंडई i20 के बारे में, जो इंडिया में लॉन्च हो सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या मे बी नेक्स्ट मंथ एज वेल। अभी हालांकि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है बाय ह्युंडई, बट वी कैन एक्सपेक्ट द लॉन्च ऑफ दिस व्हीकल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो बहुत ही जल्दी है। मतलब कि 2-3 महीने ही रह गए इस ईयर को एंड होते हुए, तो बहुत ही जल्दी होने वाला है इस कार का लॉन्च। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका जो मिड ग्रेड वेरिएंट है उसकी इमेज दिखाने वाला हूँ। सो इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ाऊँ, मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। एंड गाइस, बिफोर आई बिगिन विद टुडेज वीडियो, में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, डूइंग अ गिव अवे ऑफ अमेज़न एको डॉट 3rd generation। अगर आपने इसके गिव अवे को एंटर करना है तो मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, टॉप पे ही है, उस पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि इस गिवे को आप एंटर कैसे कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ आप नोट कर लें, इसका गिवे तभी मैं करूँगा जब मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। सो बिगिनिंग विद टुडेज टॉपिक गाइस, सो अब आप अपनी स्क्रीन के सामने एक इमेज देख पा रहे हैं ऑफ द 2020 ह्युंडई i20। दिस सीम्स टू बी द मिड वेरियंट, जैसे कि i20 जो है उसमें हमें वेरियंट जो मिलते हैं दैट आर एरा, मैगना, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, एस्टा, एस्टा ऑप्शनल, ऐसे ऐसे वेरिएंट्स हमें ऑफर करे जाते हैं, बट दिस सीम्स टू बी द मैगना या स्पोर्ट वेरिएंट हो सकता है। हालांकि इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है एट दी इज़मिट प्लांट इन टर्की। सो ये वहाँ से इमेजेस आ रही हैं, सो कुछ इंडिया में भी ऐसी ही दिखेगी गाइस। एंड अब फ्रंट प्रोफाइल की इसकी इमेज जैसे कि अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, सो इसकी ग्रिल जो है वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दे रखी है, जो बहुत ही अमेजिंग दिख रही है। इसके जो हेडलैम्प्स हैं दैट आर क्लियर लेंस, हैलोजन वाले ही होंगे इन मिडिल वेरिएंट। सिर्फ टॉप मॉडल में हमें LEDs वगैरह या उससे एक छोटे में हमें प्रोजेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। एंड सो आप देख पा रहे हैं क्लियर लेंस हेडलैम्प्स के साथ भी बहुत अच्छी लुक आ रही है ऑफ द व्हीकल। एंड नीचे ही हमें थोड़ा बहुत फंक्शनल एयर डैम मिल जाता है, उसी के साथ हमें फॉग लैम्प एज वेल देखने को मिल जाता है इन दिस ट्राइंगुलर शेप, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है द डिज़ाइन। इवन कि इसका जो मेड वेरिएंट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम ने। साइड में हमें व्हील कैप्स ऑफर मिलते हैं क्योंकि ये मतलब कि स्पोर्ट्स ऑप्शनल वगैरह वाला मॉडल नहीं है, नीचे वाला मॉडल है, तो इसमें व्हील कैप्स ऑन ऑफर मिलेंगे। साइड मिरर्स पे हमें टर्न इंडिकेटर्स ऑन ऑफर मिलेंगे। एंड दिस कलर लुक्स वेरी अमेजिंग इन दिस रेड, मेरूनिश टाइप ऑफ रेड कलर। एंड ओवरऑल द कार लुक्स वेरी ग्रेट। अगर मैं आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट की इमेज दिखाऊं, तो आप टॉप एंड वेरिएंट की भी इमेज अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। तो ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट, इसमें हमें अलॉय व्हील्स कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी हम ऐसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलॉय व्हील्स। एंड इसमें हमें हेडलाइट्स जो हैं वो फुल LEDs मिलेंगी। एंड इसमें जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर्ड विद दी लोअर एंड मॉडल। सो आप देख पा रहे होंगे इसमें अलग सा स्लैट दिया हुआ है एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इसमें देखने को मिलता है ग्रे कलर में, बहुत अच्छी लग रही है ये कार। एंड टॉप मॉडल तो बहुत ही प्रीमियम लगता है। एंड इसमें जो हमें फॉग लैम्प हाउसिंग मिली है, इसमें हमें सर्कुलर फॉग लैम्प हाउसिंग मिलती है, सो दैट आर माइट बी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स या LED फॉग लैम्प्स। और ये जो फॉग लैम्प हाउसिंग है वो तो फंक्शनल है टू पास एयर इन एंड आउट। और अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो फॉग लैम्प हाउसिंग है टॉप मॉडल में आपको सर्कुलर शेप में मिलती है, सो मे बी दिस माइट बी डे टाइम रनिंग लाइट्स जो मैंने आपको अभी पहले दिखाई थी इन द लोअर एंड मॉडल। सो अगर हम इसके प्राइजेस के बारे में बात करें, इंडिया में ये कुछ स्टार्ट हो सकती है 5,65,000 या 5,70,000 से। टॉप मॉडल जा सकता है इसका 9,50,000 तक का या उससे भी ज़्यादा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स। अभी वैसे एक्सपेक्टेड फीचर्स जो हैं इस कार में हमें मिल सकते हैं, दैट कुड बी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.25 इंच की फुल HD टच स्क्रीन जैसे कि हमें किया सोनेट एंड सेल्टोस में देखने को मिलती है उतनी ही बड़ी साइज़ की। एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुड ऑल्सो बी ऑफर्ड इन द ऑल न्यू ह्युंडई i20। एंड अगर गाइज हम इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें, 3 इंजन ऑप्शंस ऑफर करे जा सकते हैं। इसमें टर्बो वेरिएंट भी आ सकता है, 1 लीटर का टर्बो वेरिएंट जो हमें वेन्यू में भी मिलता है इंजन वही वाला, 1.5 लीटर का डीजल जो हमें अब ऑलमोस्ट हर कोई किया कार और ह्युंडई कार में देखने को मिलता है, एंड 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो अभी भी हमें i20 में एलीट i20 में ऑफर करा जाता है। एंड इन ट्रांसमिशन ऑप्शन हमें IMT भी इसमें देखने को मिल सकती है, विच इज़ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। हालांकि ये तो शोर है, ये भी आ सकता है DCT आएगा इसमें, एंड ऑल्सो नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड एज वेल एज अ मैनुअल ट्रांसमिशन। हालांकि IMT का भी कुछ पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, वो तो जब थोड़े बहुत टीजर्स आने लगेंगे बाय कंपनी, मे बी एट दैट टाइम वी विल गेट टू नो।
एज वेल। सो आई होप गाइस आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। आई विल सी यू सून टिल माई नेक्स्ट वीडियो। Bye-bye.